का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गोर में। दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए एक नई भर्ती लेकर आने वाले हैं जो कि आंगनबाड़ी में निकली है। आंगनबाड़ी की सहायिका मिनी सहायिका में यहाँ पर भर्ती निकली है। तो यहाँ पर दोस्तों किस किस जगह पर यह भर्ती निकली है और कौन कौन सी जगह पर हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ प्रोसेस रहेगी, लास्ट डेट क्या है, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। दोस्तों ऐसे ही नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही कोई अपडेट अगर आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। बेल आइकन को ऑल करने से आपको ये फायदा रहेगा कि आप जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से जाकर शेयर करके लाइक कर दीजिए, धन्यवाद। और दोस्तों एक बात और, अगर ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर सभी नोटिफिकेशन PDF आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों ये भर्ती निकली है कार्यालय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास रीवा संभाग में, मध्य प्रदेश में निकली है। रीवा संभाग में यह भर्ती निकली है। दोस्तों यहाँ पर निकलने की तारीख क्या है, 7/7/2023 को यह भर्ती निकल चुकी थी, ये भर्ती निकल चुकी थी, ठीक है। हमारे पास विज्ञापन भी आ चुका था पर हम वीडियो बनाने में लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहते हैं। विज्ञप्ति यहाँ पर, मानदेय आधारित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन यहाँ पर जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश शासन एवं महिला बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 21/8/2019 के द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार रीवा संभाग के जिलों में संचालित महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पूर्ण अस्थायी मानसेवी एवं मानदेय आधारित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्र महिलाओं के जिलेवार निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो कहाँ कुछ कितने पद ये देख लेते हैं, तो रीवा जिला है, रीवा जिले में आपको यहाँ पर 11 पद देखने को मिल जाएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के, और मिनी आंगनबाड़ी सहायिका के 25 पद देखने को मिल जाएंगे और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 2 पद देखने को मिल जाएंगे। सतना में देख लेते हैं, तो सतना में दोस्तों यहाँ पर 16 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के देखने को मिल जाएंगे, 26 पद आंगनबाड़ी सहायिका के देखने को मिल जाएंगे और 0 पद है मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के। सीधी में देख लेंगे दोस्तों, सीधी में यहाँ पर 6 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हैं, 8 पद सहायिका के हैं और यहाँ पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 0 पद हैं। सिंगरौली में दोस्तों टोटल 4 पद हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के, 14 पद आंगनबाड़ी सहायिका के हैं और 0 पद हैं केवल आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के। तो दोस्तों सबसे अधिक पद यहाँ पर रीवा में देखने को मिल जाएंगे आंगनबाड़ी सहायिका के। तो यहाँ पर हम नीचे भी कुछ पढ़ लेते हैं, आंगनबाड़ी के नंदवार ग्रामवार वार्डवार वास्तविक रिक्त पद की जानकारी एवं नियम निर्देश शर्त आवेदन पत्र का प्रारूप शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताएं से संबंधित विस्तृत जानकारी संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। तो अब ये जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, रीवा का यहाँ पर आपको संपर्क नंबर दिख रहा है, सतना का संपर्क नंबर दिख रहा है, सीधी का संपर्क नंबर दिख रहा है, सिंगरौली का संपर्क नंबर दिख रहा है, यहाँ से आप जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। महिला आवेदक अपने पूर्ण भरे आवेदन पत्र आवश्यक सहपत्रों सहित संबंधित जिले की बाल विकास परियोजना कार्यालय में विज्ञप्ति प्रकाशित दिनांक 20 दिवस में शाम 5 बजे तक, मतलब इसकी लास्ट डेट जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 7/7/2023 से 7/7/2023 से 20 दिनों तक इसकी जो है वो डेट रहेगी, मतलब लगभग 27 तारीख शाम 5 बजे तक ये लास्ट डेट है, इसके आवेदन आप भर सकते हैं। जिलेवार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक नियम निर्देश आदि जानकारी के लिए वेबसाइट ऑनलाइन पोर्टल जिला कार्यालय संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में उपलब्ध आपको करा दी जाएगी। जिलेवार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मिनी कार्यकर्ताओं के रिक्त पद की संख्या कमी अथवा वृद्धि होना संभव है, परियोजना अंतर्गत अंतिम रूप से वास्तविक रिक्त पदों की संख्या एवं स्थायी जानकारी संबंधित बाल विकास परियोजना आदि कार्यालय से आप सूचना में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के टोटल 4 जिलों में आपको देखने को मिल रही है, रीवा जिला, सतना जिला, सीधी और सिंगरौली, इन जिले में आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आपको अगर ये चाहिए कि कहाँ रीवा जिला में किस किस गाँव में किस किस पंचायत में किस किस वार्ड में ये निकली है, तो यहाँ पर आप जो नंबर आपको दिख रहा है इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।